हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग में शुरू करते हैं आज अपने घर से ही। घर बोले तो ये मेरा पुराना वाला घर है और इसमें बन रहे हैं नया वाला घर। ये कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है इसमें। देखा बोलो ओके, आप हिंदी में बोलिए थोड़ा। हिंदी में क्या बात है क्या? फर्स्ट टाइम में नीचे में जो यहाँ पे हम उतरा है, इसमें थोड़ा नीचे में बाली देना पड़ेगा। बालू का बाद में इसमें सोलिंग करना पड़ेगा। सोलिंग का ऊपर में पीसीसी करना पड़ेगा, तीन इंच पीसीसी करना पड़ेगा। उसका बाद पीसीसी का ऊपर में जाली आएगा, जाली का ऊपर में पोस्ट आएगा। उसका बाद हम लोग सेंटर में बैठा के बस शुरू कर देगा। सेंटर में बैठा के कितना दिन लगेगा? मैक्सिमम इधर में पकड़ रही है, दो घंटा में हो जाएगा। दो घंटा में हो जाएगा, दो घंटा में हो जाएगा। आपका नाम भी बताइए। मेरा नाम आबू शुमा। आबू शुमा, और आपका? हमारा नाम है बादशाह। बादशाह, आप लोग ब्लॉक के एंडिंग में, ये घर जब तक खड़ा हो जाएगा तब तक आप लोग रहेंगे इधर में, इस यूट्यूब चैनल में। ओके, तो रेडी आज से शुरू करते हैं हम लोग। कोई भी घर जब बनने के लिए शुरू होता है तब हम लोग इधर में नाम तैयार करते हैं। नाम मतलब जैसे जब घर का ओपनिंग होता है तो ओपनिंग होने में क्या करते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं आप लोग। इंडिया के अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग डिज़ाइन से पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग का इधर का जो तरीका है उसको नाम बोलते हैं। हम लोगों के गांव में अभी भी ये टाइप के नेचुरल डिस्पोजेबल, ये देखिए केला का जो पट्टा होता है ना, वो पट्टा ही यूज़ करते हैं प्रसाद के लिए। तो आज ही शुभ दिन है और शुभ दिन के लिए ये वाला पट्टा ही यूज होगा। ये रेडी करके रखा है। आप लोगों को जो देख रहा था खाली डब्बा, तो ये सीमेंट भर गया है। হরি নাম রখে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে প্রেময় অমৃত রণ শঙ্করে পাৰ ভাঙিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ড কবে গোবিন্দ প্রেম অমৃত রণ গীত
হে বৈকুণ্ঠ ৰমণা চাৰি পুৰুষাৰ্থ তাহাৰ নিজৰা হৰি নামে মূল ধাৰা হৰি ভক্তি দান দিয়া জগত কটাৰিলা সহাৰ সিন্ধু হে নয় কৃপালু শংকৰ বিনাই নাই নাই আৰু হৰি ভকতিৰ পাতিলন্ত হাত শংকৰে জগত ৰাম নাম ৰত্ন বেহায়ে চলয় বৈকুণ্ঠ শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে নকল পতৰু শান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰমৰু শান্ত বিনাই নাই 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 सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों का जो नाम प्रसंग था, नाम प्रसंग मतलब घर को शुभारंभ करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो प्रार्थना किया जाता है, उसको ही नाम प्रसंग कहते हैं इधर में। तो हो समाप्त तो हो गया है, तो आज का ब्लॉग इतना ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय।